वो कंपेटिटर्स जो कि अब से थोड़ी देर पहले देखती थी कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े हैं, अब वो दोनों आके साथ खड़ी हो गई हैं, उनके काउंटर्स भी यहाँ पे सामने हैं। इन्होंने जो आज मेन डिश बनाई थी वो भी, और साथ में जो दो मीठे बनाए थे, तो शेफ फरा और मैं चाहूँगी अभी आप ज़रा टेस्ट भी करें और देखें इन्होंने क्या बनाया। तो आ जाए ज़रा प्लीज़, ज़रा अब ज़रा टेस्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो ज़रा हम यहाँ पर शुरू करें। अच्छा सबसे पहले तो ये दूसरा मीठा क्या बनाया? ये ब्रेड का जो है ना हलवा जिसे कहते हैं, हलवा है ब्रेड हलवा। ओके तो ये इसको बेचारे को क्या दुश्मनी थी, इतना खोया ऐड कर दिया इसके अंदर। मैंने डेकोरेशन के लिए वो साइड्स में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। अल्लाह शेफारा ने जब सास बनना है ना, आ जाए आप लोग दिखाने। चले जी ट्राई करें। मुझे वो स्पून एक दे दो, ये वाली छोटी वाली। इसी में से दोनों कर लें आप, दोनों से मसाला लेना चाह रही हूं थोड़ा, ताकि उसमें आइडिया हो जाएगा, टेस्ट का आइडिया हो जाएगा। तेरा शुक्र है मैं इस कंपटीशन का पार्ट नहीं थी, वरना क्या पता फायदा जी मुझ में आप आ जाती उस वक्त। आई मीन खामोशी। मेहनत करनी पड़ी है चिकन को तोड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको बाइट करूं? अभी बताना? नहीं अभी नहीं, आप लोग के वो तो सरप्राइज ही रहेगा। ठीक है मीठा, और फिर जब आप बताएंगी ना एंड रिजल्ट, तो आप बताएंगी किसका कैसा था। ठीक है आप जरा मीठा ट्राई कर लें जी, इसी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। हाँ आपने खोया बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है ये जनाब, मेरे हाथ में इन्होंने बनाया था शाही टुकड़े। अच्छा मैं देख रही हूँ शाही टुकड़े दोनों ने बनाए हैं, तो अब तो ज्यादा मुकाबला हो जाएगा कि भाई किसने शाही टुकड़े ज्यादा अच्छे बनाए हैं। अच्छा ये बनाया था इन्होंने, ठीक है, और ये बनाया था इन्होंने ब्रेड हलवा। हाँ ब्रेड हलवा। अच्छा बनाया उन्होंने, देख आप सुमुल को रही है, और ये तो ज़ैनब भी बिल्कुल खामोश जो है ना, ये पता है फरा का, और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में मैं इनकी फेस रीडिंग अच्छे से समझती। अल्लाह चले आपको याद रहेगा ना, मुझे याद रहेगा बिल्कुल, अभी दो ही तो शेफरा यार मेरे मौला, मुझे सब याद रहेगा। शेफरा आप जो गुस्से में रहेंगी ना, तो कभी डर के मैं भी खाना नहीं देखिए। किचन किचन से रिलेटेड मेरा भी काम है, और मैं भी कंपटीशन का हिस्सा रही हूँ, जज भी बनी हूँ, उसकी पूरी मैंने ट्रेनिंग ली है। हाँ। तो फिर मुझे अफसोस होता है कि कंपटीशन में आके हम इतनी सारी चीजें ट्रेनिंग कहाँ से ली, क्या आपने टेंशन जो देनी है, टेंशन डांटना जो है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं डांट नहीं रही, मैं समझा रही थी। अच्छा नहीं भाई देखिए समझाना थोड़े ना, क्योंकि अक्सर डांट से सिखाई हुई चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी ज़्यादा अच्छी लगती, प्यार से भी डांट दोनों से। लेकिन अच्छा जी ये इन्होंने बनाया था इनका मसाले के साथ, हम टेस्ट करें इसको। क्या क्या नाम था इसका भाई? सुमल मखनी हांडी। मखनी हांडी, मखनी हांडी। हाँ मखनी हांडी, ठीक है जी। मतलब मैं अच्छा बाद में बताती हूँ, मैं हम इसमें भी डाल सकते हैं। ओके जी एक शाही टुकड़े इन्होंने बनाए हैं, एक शाही टुकड़े संभल बनाए। अच्छा ये तो शाही टुकड़े, व्हाट इज दिस एटीट्यूड, चीनी वाला मसा हुआ था वो क्या हुआ था मैं देख रही थी भाई। हुआ कुछ यूं था कि मैंने ये पूरा रेडी कर लिया और मैं इसमें शुगर डालना ही भूल गई, फिर आपने दोबारा से दूध गरम किया। मैंने दूध गरम किया, हाँ उसमें मैंने शुगर ऐड की और फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा और ऐड कर दिया, सेम इसके साथ भी यही हुआ था। फिर वही मिल्क मैंने इस पे भी किया, उस पे भी किया। चीनी आप दोनों में भूल गई थी। बॉल्स बनाए ना ब्रेड, बॉल्स बनाए ना जी ब्रेड को। ये बेचारे से ब्रेड क्यों गए? खोया खोया ऐड किया है इसीलिए, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने कहा थोड़ा फैल जाए।
चलिए ठीक है। अच्छा ये फैल क्यों गए? ये ना फैल गए हैं थोड़े। इन्होंने आपको पहला मीठा क्या बना के दिया था फाइजर जी? आपको क्या हंस रही है? टेंशन आपको हुई नहीं रही? मैं इनको देख रही हूँ, ये मुस्कुराई नहीं रही। कस्टर्ड, कस्टर्ड इन्होंने कस्टर्ड बनाया था। इन्होंने मेरा ऐसा करते कि फलानी जगह की मुझे खीर अच्छी लगती तो वो बना के पेश करते। खैर ये आपको पता है, मैं तो आपकी अपनी बताती रहूंगी। अच्छा ये टेस्ट कर लिया दोनों चीजें? कर ली चीजें, ट्राई हो चुकी हैं। और मैं हाल से एक लास्ट वाला टास्क दे दें फिर हम। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते रहते हैं, हम खाना बनाते रहते हैं तो बहुत अच्छे 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 खूबसूरत से प्यारे प्यारे से नेम डिशेस के आ गए हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, शोला कबाब, अंगारी का अंगारा कढ़ाई, इस तरह से आपने खुद क्रिएट करने नेम्स, लेकिन उस डिश से वो मैच करते हो, उस खाने से वो मैच करते हो। और दो मिनट का टाइम, दो मिनट के टाइम में फटाफट आपने इसको लिखना है। रेसिपीज के नेम, नाम लिखने हैं, रेसिपीज नहीं लिखनी, नाम लिखने हैं, ठीक है? तब तक और हमें लॉजिक भी देनी है कि क्यों है, लॉजिक लिखनी है। नहीं नहीं, बताया गया मुझे जो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा वक्त जो है ना वो काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जरा इनकी नंबरिंग भी कर दें ताकि आप लोग बिल्कुल इधर आ जाइए। तब तक ये लोग जल्दी से अपनी जो कमाल कमाल डिफरेंट किस्म की रेसिपीज हैं, वैसे अब आप दोनों आपस में मशवरा कर सकती हैं, बिल्कुल सास बहू आपस में मशवरा कर सकती हैं। और यहाँ पे हमारे जजेस भी मशवरा कर रहे हैं और मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मशवरे से ही तमाम चीज़ें चलती हैं। मैं चाहूँगी जरा उनकी आवाज़ बंद कर दें ताकि ऐसा ना हो कि उनका मशवरा ऑन एयर जा रहा हो। और वाकई भी मेरी बात सुने, ये जो मशवरा होता है ना ये बड़ा ज़रूरी होता है। आपका किचन कामयाब है, आपकी ख्वाहिशवारी से बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल सकते हैं, आप अपना पूरा घर अच्छे तरीके से बजट में चलाने की कोशिश कर सकते हैं, ओनली सिर्फ और सिर्फ अगर आपके घर में हर चीज़ मुशावरत से होती है, यानी कि मशवरे से होती है। सास और बहू के आपस में मुशावरत ज़रूरी है। वो पूछें कि अच्छा भाई घर में कितने दिन गोश्त बनाना है, सब्ज़ी कितने दिन बनानी है, अच्छा दालें कितने दिन पकानी, एक एक चीज़ जो है ना ये मशवरे पे जो डिपेंड कर रही होती है। और मशवरा कितना अच्छा हो ये तो अभी पता चलेगा कि एक दूसरे को कितने अच्छे मशवरे दे लिए हैं। सवा मिनट आप लोगों के पास रह गया है टास्क ख़त्म होने में, ठीक है? मैं कह रही हूँ सुंबल आप एक दूसरे से मशवरे भी ले लिए फिर भी लेट हो रही हैं, जल्दी से आप करें। हाँ बहुत आसान है, सिर्फ नाम ही लिखने हैं ना, और तो कुछ डिशेस के नेम ही लिखने हैं, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। हमने आपको मिसालें भी बहुत सारी दी। ये ब्लू क्योंकि मैं फायजा जी को बोलता मैंने दिखने नहीं, ब्लूटूथ करिए दिमाग से आइडियाज अपनी बहू में। उसमें डिजर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ड्रिंक भी हो सकते हैं। वाकई भाई मीठा भी कुछ हो सकता है उसमें से, है ना? हाँ सिर्फ ये नहीं कि उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कुछ। जैसे मैं आपको आइडिया दे दूं, मैंने फ्रूट के छिलकों के मैंने हलवा बनाया है। फ्रूट के छिलकों का? फ्रूट के छिलकों का मैंने हलवा बनाया, बहुत बेहतरीन। पपीता हो गया, इसमें एप्पल्स हो गए, बिल्कुल हाँ एप्पल्स हो गए, बनाना हो गए, मुझे अच्छे छिलके लगते हैं, बहुत अच्छे छिलके। और तरबूज के जो पीसीज इसके छिलके होते हैं उसका मैंने कोरमा भी बनाया है। वो है सारी चीजें यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। कोरमा बनाया है उसका।